राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। जी हां, मुद्दे की बात दर्शकों के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से जो प्रोग्राम हम करते हैं उसमें लोगों के कमेंट आते हैं और लोग क्या अपनी राय रखते हैं। जैसा कि हमारा ये खास प्रोग्राम है मुद्दे की बात, और हम दर्शकों की बात लेकर यहाँ पर हाजिर भी होते हैं। शुरुआत कर लेते हैं प्रोग्राम की, और पहला कमेंट ले लेता हूं मैं अरविंद कुमार का। कांग्रेस यूपी में 2 सीट से ज्यादा नहीं जीत सकती, एसपी बीएसपी जिंदाबाद। यानी कि आपको हम बता दें, पीते दिनों हमने प्रोग्राम किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि यूपी में सपा बसपा 38-38 सीटों पर चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस को दरकिनार कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस की परेशानी बढ़ी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये बात जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ी झटके वाली बात साबित हो रही है कि कांग्रेस को अलग कर दिया गया है और सपा बसपा 38-38 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि जैसा कि अरविंद कुमार ने लिखा है कि कांग्रेस यूपी में 2 सीट से ज्यादा नहीं जीत सकती, सपा बसपा जिंदाबाद, ये कहा है अरविंद कुमार ने। अलायास मीर लिखते हैं कांग्रेस विल विन। वहीं सौरभ कुमार लिखते हैं कांग्रेस सबका खेल गड़बड़ा देगी और उसका कमजोर नहीं समझो भाई, यानी कि उसको कमजोर मत समझो, कांग्रेस सबका खेल बिगाड़ देगी। तो देखते हैं यूपी में क्या खेल बिगाड़ती है कांग्रेस। वैसे हकीकत तो जहां तक ये लग रही है कि सपा बसपा का गठबंधन बहुत मजबूत है यूपी में, और कांग्रेस उसको हिला पाएगी इतना आसान नहीं है। इंदिरा मोहन लिखते हैं कांग्रेस यूपी में कुछ नहीं है, यानी कि देखिए साफ सीधी बात उन्होंने कांग्रेस बताया यूपी में कुछ नहीं है। और दरअसल बात यूपी में शुरू होती है जाति और धर्म को लेकर, क्योंकि यूपी की अगर मैं बात करूं तो SC ST वर्ग के लोग हैं, OBC वर्ग के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, दलित लोग हैं, तो ऐसे में ये वोट अलग अलग तरीके से कटते हैं, और ऐसे में ये वोट कांग्रेस को तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि कांग्रेस को कभी भी यूपी में बहुत बड़ा फायदा नहीं मिला है। और आपको हम यहाँ पर बता दें कि जिस तरीके से सपा बसपा ने 38-38 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया और कांग्रेस को अलग कर दिया, ये वाकई में हैरान करने वाली बात है। दरअसल कुछ समय पहले की आपको बता देता हूँ बात, जब देखने को मिला था कि अखिलेश यादव और राहुल के साथ जो है चुनाव लड़ रहे थे, ऐसे में बहुत बड़ा नुकसान जो है कह सकते हैं अखिलेश यादव को उठाना पड़ा था, तो ऐसे में वो चीजों को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने, अखिलेश मायावती ने कांग्रेस को अलग कर दिया। वैसे में यहाँ पर देखने वाली बात तो ये होगी कि सपा बसपा का ये गठबंधन कितना जो है नुकसान पहुंचाएगा कांग्रेस को, यूपी में बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएगा। वहीं कांग्रेस की मैं बात कर लेता हूं तो कांग्रेस के लिए अगर कुछ सीटें जो है उन लोग सपा बसपा ने खाली रखी है, यानी कि वहां से वो अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, तो ऐसे में ये चीजें कांग्रेस के लिए है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि यूपी की जो सियासत हो रही है, यूपी में जो राजनीति हो रही है, वो बहुत अलग दर्जे की राजनीति हो रही है, वो बहुत अलग तरह की राजनीति है। और दरअसल देखने को एक चीज जो है वो ये मिल रही है कि कहीं ना कहीं अलग तरह की स्थितियां बनी हुई है, एक अलग तरीके का माहौल बना हुआ है। आपको हम यहाँ पर बता दें कि यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जिस तरह से यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टियां उनका साथ छोड़ रही हैं, जिस तरीके से यूपी में बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है वो उनको उतना पसंद बीजेपी को नहीं कर रही है, अनबन देखने को मिल रही है, खटपट देखने को मिल रही है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती हैं बीजेपी को। यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, और ऐसे में बीजेपी ने 70 से ज्यादा सीटें जीतने का जो प्लान बनाया है, क्या वो कामयाब हो पाएगा, क्या 70 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत पाएगी। पीछे चुनाव की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखने को मिला था बीजेपी ने सहयोगी पार्टियों की मदद से 73 सीटें जीती थी, लेकिन अब की बार स्थिति अब कुछ और है, अब की बार स्थिति बहुत अलग है, अब की बार बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आज जनता बीजेपी सरकार से खुश नजर नहीं आ रही है, खासतौर पर साधु संत के वर्ग के लोग, युवा वर्ग के लोग, बेरोजगार वर्ग के लोग और व्यापारी वर्ग के लोग, क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिला है राम मंदिर निर्माण का वायदा किया गया था, राम मंदिर निर्माण नहीं हो पाया, और युवाओं और बेरोजगारों को नौकरी देने का वायदा किया था, वो वायदा पूरा नहीं किया,
और अगर बात की जाती है व्यापार की, तो व्यापार जिस तरह से मंदा चल रहा है, खराब स्थिति चल रही है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं बताती है कि किस तरीके के हालात हैं। ये सब चीजें बताती हैं कि किस तरीके से, किस तरह से माहौल एकदम अलग चल रहा, और ये सब चीजें कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं बीजेपी को। और आपको बता दें कि यूपी में 70 से ज्यादा सीटें जीतने के लिए कोई बड़ा काम करना पड़ेगा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, नहीं तो नुकसान का सामना उन्हें उठाना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात तो देखिए यहाँ पर ये है, जो स्थितियां बनी हुई है कि एक अलग तरीके का माहौल कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, एक अलग तरह की स्थितियां कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूपी की अगर मैं बात कर लेता हूँ, यूपी में अगर जहां से थोड़ा सा भी अगर पेच ढीला पड़ा, यूपी में अगर जरा सी जो है पतंग की डोर अगर ढीली पड़ी, तो सीधी पतंग कटेगी और पतंग कटने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जहां ढीली हुई डोर उतने में पतंग कट जाएगी और विपक्ष पतंग काट देगा। तो यही हालात कुछ देखने को मिल रहे हैं यूपी में। बीजेपी की जो डोर है वो ढीली पड़ी हुई है, और ऐसे में सपा बसपा का गठबंधन कभी भी उस डोर को काट सकता है। ऐसे में डोर मजबूत करने के लिए योगी सरकार को बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। राम मंदिर का वायदा 2014 में जो किया गया था, जो एजेंडा था राम मंदिर को लेकर, बड़ा काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यूपी में रोजगार के लिए भी नए अवसर तलाशने पड़ेंगे और किसानों के लिए कदम उठाना पड़ेगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं यूपी में बीजेपी को सफलता मिलेगी। और देखिए अगर मैं बात करता हूँ, यूपी में सफलता मिलती है तो लोकसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर यूपी में ही स्थिति खराब रहेगी तो जाहिर सी बात है कि पीएम मोदी की कुर्सी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। और अगर मैं बात करता हूँ लोकसभा चुनाव की, तो अब की बार का लोकसभा चुनाव मोदी सरकार के लिए बेहद ही पेचीदा है, अब की बार पेच फंस रहा है, अब की बार जनता सरकार को सरकार से उठ गई है, अब की बार जनता सरकार पर भरोसा नहीं करना चाहती, अब की बार ना बेरोजगार भरोसा करना चाहता है, ना युवा करना चाहता है, ना व्यापारी वर्ग के लोग करना चाहते हैं, ना साधु संत करना चाहते हैं। साल 2014 में विश्वास करके देख लिया, लेकिन सरकार ने काम नहीं किया। साल 2014 में बेरोजगारों ने सरकार पर विश्वास किया, युवाओं ने युवाओं ने सरकार पर विश्वास किया, और सबसे बड़ी बात तो ये कि साधु संत उन्होंने विश्वास किया कि मोदी सरकार आएगी तो अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। लेकिन सरकार को 4 साल से ज्यादा का समय हो गया, लोकसभा चुनाव कुछ महीने बाद होने वाले हैं, और राम मंदिर का नाम कहीं तक नहीं दिखाई दे रहा है। आज 4 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन रोजगार नहीं है। हैरानी वाली बात तो यह कि कई करोड़ रोजगार जो है खत्म कर दिए गए, उसको लाखों की तादाद की लिस्ट पर ला के खड़ा कर दिया गया है। क्या इसीलिए बेरोजगारों ने वोट किया था सरकार को? आज बेरोजगार सवाल पूछ रहा है। बीते दिनों हमने जब बेरोजगार वर्ग के लोगों से सवाल पूछा, जब बेरोजगार वर्ग के लोग नौकरी की बात कर रहे थे, जब उनसे सवाल पूछा गया, तो उनका यही कहना था 2014 में विश्वास करके मोदी जी को सत्ता पर बिठाया था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मोदी जी जो है वो रोजगार खत्म कर देंगे और उसकी स्थिति ये होगी कि कुछ लाख रोजगार बचे। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिली, कितने रोजगार थे, रोजगार के सारे अवसर मोदी सरकार ने बंद कर दिए, रोजगार के सारे दरवाजे बंद कर दिए, कि सरकारी पद जो हर साल सरकारी पदों पर वैकेंसीज निकलती हैं, कोई भी सरकारी पद हो, कोई भी सरकारी पद का क्षेत्र हो, जहाँ देखने को मिलता था कि पहले कितनी सारी वैकेंसीज निकलती थी, लेकिन इन 4 सालों में तो सरकार ने रुला दिया युवाओं को, इन 4 सालों में तो बेरोजगार आज रो रहे हैं, आज स्थितियां खराब है। तो आखिरकार कहाँ जाएंगे बेरोजगार और युवा, और किसको जो है अब वोट करेंगे, और क्यों मोदी सरकार को वोट करेंगे, ये सवाल एक निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि सरकार ने काम नहीं किया। आज क्यों व्यापारी मोदी सरकार को वोट करेगा, क्योंकि आज व्यापार की हालत खराब पड़ी है, आज व्यापार मंदा चल रहा है, आज व्यापार में उतनी कमाई नहीं हो रही है। कुल मिलाकर ये है कि इन 4 सालों से ज्यादा के समय में धंधा पूरी तरीके से चौपट हो गया है। आज बेरोजगार
उसी कगार में खड़ा है जिस तरह से बेरोजगारी की स्थिति में 2014 में खड़ा था, युवा भी जिस स्थिति में उस वक्त खड़ा था आज भी उसी स्थिति में खड़ा है। कोई फर्क नहीं आया, कोई डिफरेंस नहीं आया। जैसे वो परेशान थे आज भी परेशान घूम रहे हैं और सरकार से नाराज चल रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं और बेरोजगारों का ख्याल नहीं रखा गया, व्यापारी वर्ग के लोगों का ख्याल नहीं रखा गया, साधु संतों का ख्याल नहीं रखा गया, तो मोदी सरकार को चुनाव में हारने से कोई नहीं बचा सकता। अगर सरकार ने इनके लिए कदम नहीं उठाया, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, साधु संतों के लिए, राम मंदिर का जो वायदा किया था, व्यापारियों के लिए, इन मुद्दों पर काम नहीं होगा तो मोदी सरकार को हारने से कोई नहीं बचा सकता। अब की बार ऐसा लग भी रहा है कि मोदी सरकार चुनाव हार सकती है। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।